तो यहां बात कर रहे हैं कि एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल होता क्या है। क्या एडवांस ठीक एक्सेल कोई अलग फीचर्स है या अलग सॉफ्टवेयर है, या एक्सेल की अलग अलग टॉपिक है, ये टॉपिक एडवांस है, ये टॉपिक एडवांस है, ये टॉपिक एडवांस है, बेसिक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ठीक ने कहीं भी इस तरह के कंसिडर नहीं किया है कि दिस टॉपिक आर द बेसिक, दिस टॉपिक आर द एडवांस, ठीक कहीं भी ऐसा कंसिडर नहीं किया। नहीं ठीक है तो अब बारी आती है, तो हम कैसे कैसे हम सोचे लगे, हम कैसे हम देखें कि हाँ एडवांस और बेसिक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारा यूज के ऊपर। चलिए आपको हम दो एग्जांपल देते हैं ताकि समझे इस चीज को। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30, हमने 20 को ठीक कॉपी किया और 30 के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और हमने यहाँ पे कर दिया ऑपरेशंस के अंदर, हमने ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर नॉर्मल ठीक कॉपी पेस्ट करते तो रिप्लेस हो जाता है, लेकिन जब एडिशन सेलेक्ट कर लेते हो पेस्ट स्पेशल में, तो इन दोनों के बीच में ठीक मल्टीप्लिकेशन होता है और रिजल्ट 50 पेस्ट हो जाता है। मतलब एडिशन हुआ, राइट क्लिक ठीक करते हैं तो ठीक मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक ये आपका पेस्ट हो गया, क्लियर है है। ठीक है क्लियर अब यहाँ पे एक चीज तो ठीक है, अब क्वेश्चन आती है कि इसी चीज को एडवांस में मैं कैसे पढ़ाऊं। तो इसी चीज को ठीक एडवांस में पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर यहाँ मान लीजिए कि सबसे पहले परसेंटेज को समझते हैं। यहाँ पे 20 और परसेंट का सैंपल देते हैं तो 20% हो जाता ठीक है है। मतलब कि मैंने 20 टाइप करके एंटर मारा, फिर इसको सिलेक्ट किया, होम में गए और यहाँ परसेंट का सिंबल लगाया था, 2000% आ गया। हाँ मतलब कि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है। क्या होता है, 1 इक्वल टू 100%। तो मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 लिखूंगा, फिर परसेंट का सिंबल। लेकिन ठीक है ठीक क्या होता है कि हमारे कलीग थे, वो हमें एक रिपोर्ट भेजते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से रिपोर्ट भेजते हैं। तो अब प्रॉब्लम ठीक क्या है होती है कि जब इस तरह को रिपोर्ट मुझे भेजते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर है लेकिन हेडिंग में परसेंटेज में होता है। मतलब मैं अगर 500 का अगर 20% निकालो तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक लेकिन है बिल्कुल 20 इन द नंबर, ये हमारा नंबर में है, तब तो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट बदल जाएगी ना सर। तब हमें फॉर्मूले के हाँ अंदर बिल्कुल डिवाइड बिल्कुल बाय 100 करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है अब ठीक है यही ठीक चीज मैं नहीं चाहता कि मेरा फॉर्मूला चेंज हो। ओके ठीक ठीक है, तो मुझे है इसको जहां यूज करना है वहां और भी चीजें यूज कर रखा हूं, और ये छोटा डेटा नहीं बड़ा डेटा है। अब मैं इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला कि मैं एक एक करके जाऊं, इसमें परसेंट का सिंबल डालूं, ठीक है, एक एक ठीक करके। है लेकिन ऐसा करना सही नहीं रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है। दूसरा है कि मैं इसको 0.28 में कन्वर्ट कर दूं और फिर इसके ऊपर परसेंटेज डाल। क्या ठीक तो पर प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्ट कैसे करें। तो यहां पे इससे पहले एग्जांपल जो बताया था डिवाइड वाला वो यूज करेंगे। हम एक सेल पे 100 को टाइप करेंगे, कॉपी करेंगे, पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां कर देंगे डिवाइड, ओके डिवाइड एंड ओके। समझ गए। अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक मैं इस पे परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा, एक बार में हो गया, क्लियर बता ठीक है है, कोई डाउट इसमें। नहीं 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 पहले 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 डिवाइड करना पड़ेगा उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा ना हाँ, पहले परसेंटेज साइन लगा दे फिर डिवाइड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी ठीक है कैलकुलेशन होती है ओरिजिनलिटी पे होती है, विजुअल पे नहीं होती।
ठीक है ठीक है तो अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंपेयर करें कि इससे पहले जो एग्जाम्पल बताए वो क्या था, सेम चीज थी डिवाइड करने का, लेकिन उसको ठीक अगर बताता तो आप ध्यान नहीं देते, बोलते हैं छोटी सी चीज है चलो यार क्या यूज होता है। लेकिन जब एक प्रॉब्लम क्रिएट किया फिर सॉल्यूशन में वो चीज बताया तो ये चीज आप जल्दी नहीं बोलोगे, आप मुझे लगता है कि आप जल्दी बोलोगे इसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या। तो यही है हमारा एडवांस एडवांस एक्सेल। एक्सेल, ठीक तो हर टॉपिक है, हर एग्जांपल को बताऊंगा ए आपको बेसिक टू एडवांस और ऑफिशियल यूज। अच्छा मैं ऐसा क्यों बता पा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है ठीक मेरी 17 साल की एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके मैं तकरीबन 12-13 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 2007 में ट्रेनिंग शुरू किया सर। था, 2003 में मैंने शुरू किया था अपनी क्लासेस, सॉरी क्या बोलते हैं एक्सेल की, एक्सेल पे काम करना, और 2007 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था सर। ओके ओके 2015 तक, ओके 2015 तक मैंने काम किया है, 2015 तक मैंने अपना क्या बोलते हैं, अभी भी मैं काम करता हूँ लेकिन किसी कंपनी के अंदर मैं नहीं हूँ, मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास करीब फ्रीलांसिंग के तौर पे 5-7 कंपनियां हैं जिनके क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूँ। ओके सर, ओके। और मेरे पास मोर देन 1 लाख स्टूडेंट आए हैं आप ही की तरफ वर्किंग प्रोफेशनल, जिसने मुझसे अपने काम से रिलेटेड सवाल को पूछा है। ठीक, तो इसलिए हम आपको बता पाते हैं कि किसी चीज का एक्चुअल वर्क क्या है। कुछ इस बच्चे तो पूछते हैं कि सर, बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर कैसे दे देते हैं। हमने बोला इससे पहले ये क्वेश्चन आपसे बहुत लोगों ने पूछा हुआ है, मुझे पता है कब क्या पूछ रहे हैं। एक्सपीरियंस भी है ना। जी।